हम सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। यहां सबके अधिकारों की बात की जाती है, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो या फिर कोई दिव्यांग। दिव्यांगों के लिए कई प्रकार के नियम व कानून बनाए गए हैं, पर उन नियमों का क्या फायदा? वास्तविकता तो यह है कि हमारे समाज में उन्हें हमेशा नीचा समझा जाता है, परंतु इतनी बाधाओं को पार करके भी कुछ ऐसे हीरे उभर कर हमारे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी चमक से पूरे संसार को रोशन किया है। उदाहरण के तौर पर स्टीफन हॉकिंग, सुधा चंद्रन, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी न बनाकर ऊंची सफलताएं प्राप्त की। आपको क्या लगता है, सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों की होती है? पैसा, मेहनत या फिर सहयोग? नहीं, इन सबके साथ हमें जरूरत होती है आत्मविश्वास की। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इस प्ले का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आइए देखते हैं आत्मविश्वास की ताकत। ये क्या जिंदगी रह गई है मेरी, देख रही है रोशनी की माँ? तुम तो चली गई पर मेरे सर पे ये बोझ छोड़ गई। पापा, पापा आप क्यों परेशान होते हो? मैं करती हूँ ना ये। रहने दे, तू ही कर सकती, तो मैं ये क्यों करता? अरे आप शांत हो जाओ, परेशान मत हो, मैं कर दूंगी। रुको, मैं पानी लाती हूँ। पापा लो, आप पानी पियो। बस, कर दिया काम, फिर आप मिल गई तेरे दिल को तसल्ली। तू कुछ नहीं, बस मेरे सर पे बोझ है, बोझ। तुम मर तो नहीं जाती। पर पापा, पापा तू चली जाए। शायद हम सब ये जानते हैं कि एक बच्चा सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार से पाता है, खास तौर पर अपने माँ बाप से। पर रोशनी का क्या, उसको तो अपने ही माँ बाप का साथ नहीं मिला। आपको क्या लगता है, समाज का भी दृष्टिकोण रोशनी के प्रति ऐसा ही है? तो आइए देखते हैं। अरे सुनो, मैं भी खेलूं, मुझे भी खिलाओ ना। अजीत, तू क्या खेलेगी हमारे साथ? तू देख भी सकती है? नहीं, पर मैं खेल लूंगी, मुझे ही आता है। चल चल, हमें पता तुम्हें कितना आता है। अरे तू खेलेगी, तू अंधेरे में खेलने लायक है, जाके अंधेरे में खेल। तू खेलेगी, तेरे साथ सिर्फ आठ बजे खेल सकते हैं। चल पकड़, अभी मेरा खेलेगी, खेल के दिखा। चल हम सब ने ये तो देख लिया कि समाज का भी दृष्टिकोण रोशनी के प्रति निराशाजनक ही था। आपको क्या लगता है, रोशनी ने अपना हौसला खो दिया? नहीं, अभी भी उसके मन में एक आस बाकी थी कि शायद उसे अपने स्कूल में समानता के भाव से देखा जाए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रोशनी के स्कूल में। रोशनी, ब्रेल वाली बुक अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगी तुम्हें मिल जाएंगी। नाउ सिट डाउन। नेक्स्ट पिक्चर, सबसे बड़े प्लेनेट का क्या नाम है, कौन बताएगा? टीना बेटा तुम बताओ। सर प्लूटो।
गलत। और कोई? सर मैं। रोशनी जब आपसे पूछ रहा था खड़े होगी तो सेट कर। सॉरी सर। उस प्लेनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर ठीक है। अरे तू तो देख नहीं सकती, पर तुझे कैसे पता? मैं देख नहीं सकती, सुन तो सकती हूँ ना। मुझे मेरी माँ ने बताया था, सबसे बड़े प्लेनेट का नाम है जुपिटर। रोशनी जी शट अप, क्लास में बातें मत करो। सब बच्चे सुनो, कल संडे है, कल सभी बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाएंगे। लेकिन रोशनी कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पे आराम करो। पर सर मुझे भी पिकनिक पर जाना है। अरे कैसे जाओगी, मैं तुम्हें संभाल लूं इन बच्चों को। लेकिन सर वहाँ बहुत चलना पड़ता है और रास्ता भी ठीक नहीं है। मैं चल लूंगी सर, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पर सर 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 यहाँ पे तो चल नहीं पा रही हमारे साथ। देखो बेटा, बिना किसी सहारे के चलना सीख लो, उसके बाद नहीं जाना। और मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम जैसे लोग बिना सहारे के इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। देखो सर, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ सर। देखो सर। I'm gonna make you mine।
जूते रमैया जिसका लक्ष्य था गांव गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपनी जिंदगी मान लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको खोल, ऊपर से वाला खोल। माउंट माउंट। नमस्ते, मैं रोशनी, मैं ज्योति कन्या फाउंडेशन से आई हूँ। अच्छा, तो आप हैं वो जो इन जैसे बच्चों को शिक्षा देती हैं? हाँ, तो आप पढ़ाना चाहेंगे अपनी बेटी को? अरे क्या सिखाएंगे आप इसे? नहीं पापा, दीदी दीदी सही बोल रही है। मैं ये क्या किया आपने? आपने उसको मारा? क्या करूं मैं, बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से। आप परेशान मत होइए, आप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजिए। अगर किसी कारण से वो नहीं आ पाती तो मैं खुद आकर उसको सिखाऊंगी। आपकी बेटी वो सब कर पाएगी जो आज उसके लिए नामुमकिन है। आप जो कह रही हैं, क्या उसे इसमें हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आज से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आप हैं। आप उसे सही रास्ता दिखाइएगा और मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं करूंगा। यही तो नहीं करना है बेटा, इधर आओ। पहला सबक यहीं से शुरू होता है, अपना सहारा खुद बनो। धन्यवाद।